क्या आपको पता है कि यूएसबी पोर्ट में जो ये गोल सा डिवाइस लगता है वो आखिर क्या है, और क्या आपको पता है कि दुनिया में एक ऐसी भी जगह है और एक ऐसा भाई टाइम था जब दुनिया में एनवायरनमेंट के जो टेम्परेचर है वो 56 डिग्री सेल्सियस तक भी चला गया था। आज की इस वीडियो में आप 10 ऐसे रैंडम फैक्ट्स को जानने वालोगे जिसको सुनने के बाद आप लिटरली एक ही चीज बोलोगे, जापान जुजुची, मतलब है अमेजिंग। फैक्ट नंबर 10, एक सर्वे के रिपोर्ट के हिसाब से ये देखा गया है कि जो एग्जाम होते हैं ना, जो एग्जाम स्टूडेंट्स देते हैं, उसका बिगिनिंग का जो हैंडराइटिंग है वो इस टाइप का होता है, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख ही सकते हो, और जब एग्जाम खत्म होने को आता है तो उनका हैंडराइटिंग कुछ इस तरह से हो जाता है, एकदम मतलब डायमंड से एकदम कचरा हो जाता है। कुछ ही ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनका हैंडराइटिंग बहुत ज़्यादा कंट्रोल, मतलब टॉपर या कुछ कॉन्शियस स्टूडेंट्स के हैंडराइटिंग एकदम अच्छे रहता है, मतलब दैट्स गजब। और इस थॉट के लिए तो एक लाइक तो ज़रूर से बनता है, बस लाइक कर दो यार। फैक्ट नंबर 9, आप जो सॉफ्ट ड्रिंक खाते हो ना, जो कोका कोला, स्प्राइट, तो मैं कोका कोला के बारे में ही बताता हूँ। कोका कोला का जो ये बॉटल से जो अपने अपने स्क्रीन पर देख ही सकते हो कि आज का जो ये कोका कोला का बॉटल है वो कितना ज़्यादा खूबसूरत है, पर अगर हम इस कोका कोला के बॉटल को एवोल्यूशन में देखें तो वो ये कुछ ऐसा दिखता है, जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख ही सकते हो कि कैसे पहले की एक कोका कोला बॉटल थी, कैसे एक दिखता था और कैसा अब है, कितना ज़्यादा एवोल्यूटेड है, मतलब दिस अमेजिंग ब्रो, कितना ज़्यादा चेंज हुआ है इस बॉटल में। फैक्ट नंबर 8, आप बहुत सारे थॉट करते हो, बहुत ज़्यादा लोग बहुत सारे थॉट रखते हैं, पर जो मॉर्गन फ्रीमैन है, ये एक मशहूर एक्टर है, जो ये मॉर्गन फ्रीमैन है, वो इयर रिंग्स पहनते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा प्योर गोल्ड की इयर रिंग्स पहनते हैं, मतलब वाइट गोल्ड की इयर रिंग्स, और इनका ये थॉट है कि मतलब आप हंस दोगे इस थॉट को सुनकर, ये थॉट रखते हैं कि वो अगर अपने परिवार के सामने मर गए तो ठीक है, उनका फ्यूनरल के खर्चा वो संभाल लेंगे, पर अगर वो किसी अनजान जगह पे मरे, अगर कोई उसे नहीं पहचानते हैं, तो वो अपने जो इयर रिंग है वो बेच कर अपने जो कॉफिन है लगभग उनका पैसा जुटा ले। तो उनका ये थॉट है कि वो अगर किसी अनजान जगह पे मर जाए तो उनके इयर रिंग्स को बेचकर वो कॉफिन बनाकर दफना दे, मतलब कैसा थॉट है ये, नीचे कमेंट सेक्शन में लिखना कैसा है ये थॉट। फैक्ट नंबर 7, कोरिया में एक रेस्टोरेंट है यो ओनम डोंग के नाम पे, अगर आप कार्टून को पसंद करते हो, बहुत ज़्यादा कार्टून को पसंद करते हो, तो ये होटल सिर्फ आपके लिए ही है। अगर आप इस होटल में एंटर करोगे तो आपका जो ये होटल का इंटरफेस है ना, वो देखकर आप लिटरली अमेज्ड हो जाओगे, क्योंकि ये होटल आपको कार्टून की दुनिया में ले जाएगा। देखो इस पिक को, अगर आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो कि इसका जो इंटरफेस है, बेंच है, जो वॉल्स है, वो कितना ज़्यादा अमेजिंग है, मतलब अमेजिंग, कितना ज़्यादा स्केची है, और ये बहुत ज़्यादा, मतलब क्या बोलूँ, मेरा कोई शब्द ही नहीं है, मतलब बहुत ही ज़्यादा गजब है। फैक्ट नंबर 6, आप बहुत सारे वेदर फॉरकास्टिंग डिवाइस को यूज़ करते हो, पर मैं आपको इस दुनिया के सबसे सरल, मतलब सबसे सीधा साधा वेदर फॉरकास्टिंग डिवाइस को दिखाता हूँ। देखो इस इमेज को, यहाँ पर जो ये पत्थर रखा है ना, ये पत्थर का ये मोशन ट्रैक करके इसका वेदर कास्टिंग होता है, मतलब जैसे कि सनलाइट के हिसाब से टाइम को देखते हैं ना, जो सौर्य घड़ी है उससे, सन क्लॉक उससे जो होता है, वैसे ही ये वेदर फॉरकास्टिंग डिवाइस भी ऐसे ही यूज होता है। फैक्ट नंबर 5, बुल्गेरिया में एक केव है जहाँ से ये पिक को देखो, इस पिक का नाम है द आइज ऑफ द गॉड। ये पिक ऐसे है कि देखा जाता है कि दो आंखें, मतलब एक ही चीज को देख रहा है, अगर इसका आप ड्रोन शॉट देखोगे तो आप लिटरली चौंक जाओगे, ऐसा लगेगा कि कोई आपको देख रहा है, मतलब सामने से देख रहा है, तो इसका ऐसे ही नाम पड़ा होगा द आइस ऑफ गॉड। फैक्ट नंबर 4, 10 जुलाई 1913 को कैलिफोर्निया में एक ऐसी चीज़ को रिकॉर्ड किया गया जो आप कभी भी सोच ही नहीं सकते हो। तो हुआ कुछ ऐसा कि उसी दिन, मतलब उस 10 जुलाई को 56.7 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर जो है ना वो चला गया था, मतलब द हॉटेस्ट डे इन द वर्ल्ड, मतलब
बहुत ज्यादा गर्मी पड़ा था उस दिन, मतलब इंसान जो है ना वो कभी भी 57 डिग्री सेंटीग्रेड को कभी महसूस नहीं कर पा सकता है, क्योंकि दुनिया का सबसे जो ऑफिशियली जो अथॉरिटीज कहते हैं उनका मानना है कि दुनिया का सबसे जो हॉटेस्ट डे है उसका टेम्परेचर हाइस्ट है 56.7 डिग्री सेंटीग्रेड। फैक्ट नंबर 3, रिसेंटली साइंटिस्ट लोगों ने एक ऐसी पेंसिल को इन्वेंट किया है जिससे आप लिखोगे और लिखने के बाद जब वो पेंसिल ख़त्म होने को आएगे ना तब वो आप मिट्टी में गाड़ दोगे तो आप उससे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स लिख लेंगे। और ये इन्वेंशन एकदम से रियल है और ये जो पेंसिल्स है ना वो अभी इंडिया में आ चुका है, मतलब इंडिया भी इको फ्रेंडली हो रहा है। ये फैक्ट थोड़ा सा ना फनी फैक्ट है। तो फैक्ट नंबर 2, देखो अगर आप इस पिक में जो ये पिक को देख रहे हो, ईश्वर को देख रहे हो, ये आपको पहले क्या लगा? एक शिप लगा, जो ये शिप्स होते हैं उनके गांव में जो ये उल्स होते हैं उसे ही लगा। पर द मैंगानीका नाम का ये जो एक पीक है, मतलब ये जो एक सुअर है, ये दुनिया का ऐसा ही एक लौता शिप है, मतलब पीक है जो एकदम से शिप की तरह दिखता है। एकदम से आप अगर दूर से देखोगे तो आपको ये शिप ही लगेगा, पर अगर आप पास जाके देखोगे तो आप कहोगे कि ये तो पीक है यार, साला ये तो पीक है। फैक्ट नंबर 1 से पहले, अगर आपने पहले से ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखा है तो मेनी मेनी थैंक यू, पर अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो ऐसे अमेजिंग इंटरेस्टिंग नॉलेजेबल वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। फैक्ट नंबर 1, आप जो चार्जिंग के लिए जो ये यूएसबी पोर्ट को यूज़ करते हो, अगर आपने नोटिस किया है कि यहाँ पर ये जो एक गोल सा चीज़ होता है वो आखिर क्या होता है? यह क्या कोई डिज़ाइन पर्पज़ के लिए है या किसी और पर्पज़ के लिए है? तो आपके जानकारी के लिए मैं बता देता हूँ कि ये कोई भी डिज़ाइन या किसी भी और पर्पज़ के लिए नहीं है। ये जो हमारे चारों ओर जो ये रेडियो सिग्नल्स होते हैं ना वो इससे जाकर ना टकराए इसलिए होते हैं। मतलब सोचो, जो इनविजिबल चीज़ है जो हमें दिखता भी नहीं है वो ये चीज़ को प्रोटेक्ट करता है। मतलब अगर रेडियो सिग्नल्स मोबाइल में चला गया वो अलग बात है कि टावर से रेडियो सिग्नल्स मोबाइल में आते हैं, पर जो ये हानिकारक रेडियो सिग्नल्स है वो अगर मोबाइल पे चला गया तो ये मोबाइल को डैमेज भी कर सकता है। तो ये जो ये चीज़ है तो ये रेडियो सिग्नल से हमारे फ़ोन को प्रोटेक्ट करता है और इसका नाम है फेराइट। इन सभी वीडियोस में आपको कौन सा वीडियो सबसे ज़्यादा पसंद आया नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से लिखना और हमें फेसबुक एंड इंस्टाग्राम पे ज़रूर से फॉलो करना, लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो जल्दी से फॉलो करो और इस वीडियो को ज़रूर से एक लाइक कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट अमेजिंग वीडियोस में, तब तक के लिए गुड बाय।